नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे सरस्वती सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन का एक पुरस्कार है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और इस चर्चा से पहले मैं कुछ बातें या सूचनाएँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो उसको आप ध्यान से सुन लें। पहली सूचना तो ये है कि मैंने कल जो ब्रिक्स सीरीज आपको पेश की थी, उस सीरीज में गलती से मैंने ये बता दिया कि जो ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, ये 2024 है। क्लियर? तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, ये 2024 नहीं है, ये 2025 है। क्लियर? इसको थोड़ा क्लियर कर लें। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य है, 2025 है ये क्लियर कर लें। क्लियर? और दूसरी सूचना जो है एक खुशखबरी के रूप में है। खुशखबरी ये है कि हमारे क्लास के दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है रजनीश नागर, जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा एक दिव्या सोनी नामक लड़की का भी हमारे इंस्टीट्यूट से एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। हालांकि रजनीश नागर जी को तो हम सम्मानित कर चुके हैं और दिव्या सोनी को आने वाले वक्त में सम्मानित करेंगे, वो किसी कारण से आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो भी है, मैं रजनीश नागर और दिव्या सोनी, इन दोनों को राजस्थान एलडीसी में सिलेक्ट होने की हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। वो निरंतर आगे बढ़ते जाए और कामयाबी को प्राप्त करें, और मेरी उनसे ये आशा है कि वो राजस्थान या भारत की सबसे बड़ी जो आरएएस आईएएस, उनके लिए जरूर प्रिपेयर करें, रुके नहीं। मेरे कहने का मतलब है रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं। और ये जो उनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है, ये इनके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक उत्प्रेरक की भांति काम करेगा, जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो इन सूचनाओं के बाद अब मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सरस्वती सम्मान। इसके बैकग्राउंड की भी बात करेंगे। वासुदेव माही को मिला है ये, और सिंधी भाषा के वो रचनाकार है। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात तो मैं यहाँ सरस्वती सम्मान की कर रहूँगा, लेकिन ये जो के बिड़ला फाउंडेशन है, इसके वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में 3 पुरस्कार होते हैं लगभग सामान्यतः। एक व्यास सम्मान भी होता है, एक बिहारी सम्मान होता है, और एक होता है सरस्वती सम्मान। मेरा आज का टारगेट सरस्वती सम्मान रहेगा। तो पेज के बीच में लिखिए, के बिड़ला फाउंडेशन के पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन का जो पुरस्कार है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक तो ये ध्यान रखें, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, जिसमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान तो पहली बात तो यदि आपके ये क्वेश्चन आ जाए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन तीनों का संबंध ही साहित्य के क्षेत्र में है। लेकिन थोड़ा बेसिक सा अंतर है इसके अंदर।
बेसिक सा अंतर तो ये है कि ये बिहारी सम्मान है वो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। लगभग यही बात इन सब पर लागू होती है। ये भी पिछले 10 वर्षों में किसी साहित्यिक रचना के लिए, आप इसके लिए भी यही कह सकते हो कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। अब इसमें भी ये सेम बात है, क्लियर? यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहो तो बाद में लिख देना, यही बात लिखनी है। ये तीनों सम्मान पिछले 10 वर्षों में किसी साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है, कोई बहुत ही उत्कृष्ट रचना हो जो कि प्रभावित करे उनके लिए दिया जाता है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है, ये जो बिहारी सम्मान है ये तो दिया जाता है राजस्थान के किसी साहित्यकार को, दिया जाता है बिहारी सम्मान। और ये जो दिया जाता है इसकी जो भाषा होती है ये है हिंदी या राजस्थानी, उनमें दिया जाता है। और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का है। और ये जो सम्मान दिया जाता है ये दिया जाता है हिंदी के लिए, ये हिंदी के लिए है, ये ओनली हिंदी के लिए है। और ये जो है ये है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के लिए, 22 भाषाओं के लिए। समझ में आई बात सारी? ये तो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है जो संविधान ने मान्यता दी है। आप जानते हो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, आप जानते हो। तो उनके लिए ये दिया जाता है, ये केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। लेकिन बात वही है, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी साहित्यिक रचना के लिए जो कि उत्कृष्ट हो, विशेष हो, मुख्य हो। और ये भी सेम वही है, लेकिन ये राजस्थान के किसी साहित्यकार को दिया जाता है हिंदी या राजस्थानी के लिए, ये केवल हिंदी के लिए है। और ये 22 भाषाओं में से किसी को दिया जा सकता है, क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सरस्वती सम्मान को ही आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए, ये जो सरस्वती सम्मान है, ये जो पहला सम्मान है ये मिला था 1991 में। एक चीज और है, आप ये भी कह सकते हो, एक ऐड करना चाहो तो, जो सरस्वती सम्मान है ये प्रारंभ कब हुए थे? 1991 में। तो पहला सम्मान 1991 में मिला। आप ये जानते हो कि आजकल पहला बहुत पूछने लगे हैं, तो उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। पहला सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को, और इन्हें मिला था
इन्हें अपनी आत्मकथा के लिए मिला था, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा के लिए मिला था, ऑटोबायोग्राफी के लिए मिला था, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसके लिए इन्हें यह सम्मान मिला था। अब देखिए, अब जो लेटेस्ट मिला है ये है सरस्वती सम्मान 2019, और ये मिला है वासदेव मोही को। ये जो वासदेव मोही है, एक तो सिंधी भाषा से संबंधित है, ये ध्यान रखें, कई बार इन भाषाओं को पूछ लेते हैं किस भाषा से संबंधित है, और इन्हें जो मिला है, इनकी जो संबंधित रचना है वे किसके लिए इन्हें मिला है, इन्हें मिला है चेकबुक के लिए। सिंधी भाषा में इन्होंने चेकबुक लिखी थी, उसके लिए मिला है। अब देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से भी बन सकता है कि चेकबुक के रचयिता कौन है, वासदेव मोही। और ये है एक और विशेष बात है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित सिंधी भाषा के पहले साहित्यकार, तो ये अपने आप में वैसे ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सिंधी भाषा के पहले साहित्यकार है, क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। फैक्ट के तहत अपना जो पहला मूल बिंदु है वो ये है कि भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। थोड़े से आंकड़े हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता, ये है 363-370 मेगावाट। ये है, ये आंकड़ा थोड़ा याद रखें। आप कह सकते हो 360,000 के आसपास, या राउंड फिगर में भी याद करो तो 3.5 लाख मेगावाट के आसपास है। और ये जो है अक्टूबर 2019 की अंतिम स्थिति है, ये पहले का मतलब आंकड़ा नया है, लेकिन एक हमको एक लिमिट तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना, उससे रिलेटेड है ये। अब देखिए, यहां पर क्या खास बात है, दो बातें लेके चलेंगे हम। इस दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ये ध्यान रखें। और तीसरे स्थान में जैसे हम बात करें, पहला जो है चाइना का है और दूसरा अमेरिका है। अब हम ये बात करें कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, ये तीन बता रहा हूं आपको,
उनका क्रम याद रखना। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है थर्मल पावर, थर्मल पावर से प्राप्त होती है। आप कोयला से कह सकते हो, कोयला से जो ऊर्जा प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा ये प्राप्त होती है। फिर है दूसरे नंबर पर जो है ये है जल विद्युत, आप इसको हाइड्रो पावर कह सकते हो। और तीसरे नंबर पर है नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर आपसे एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे कह सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है, एनर्जी है, वो हमें किस से प्राप्त होती है, तो थर्मल पावर से। दूसरा आपसे ये क्रम से व्यवस्थित करवा सकता है, आपसे कह सकता है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोतों को, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोतों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर थर्मल पावर है, दूसरे नंबर पर हाइड्रो पावर या जल विद्युत, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए इससे जो प्राप्त होती है 63.2%, आप खुद देख लीजिए 60% से अबोव है। ये है 12.6% और ये है 1.9%। क्लियर? तो 63.2 और 12.6 और 1.9, तो ये परसेंटेज आपसे पूछा भी जा सकता है। राजस्थान में भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और राजस्थान में भी थर्मल पावर पहले नंबर पर है और लगभग 61% के आसपास है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मेरा जो दूसरा पॉइंट है ये है डेसी बोउटर्सी। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और इन्हें विरोधियों की हत्या के लिए बीस वर्ष की सजा सुनाई गई है। अब ध्यान रखिए यहां पर आप कैसे करोगे, और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये सूरीनाम के राष्ट्रपति है, तो अपने कल ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान लगाएं जो क्लास के स्टूडेंट हैं, मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई है, क्या आपको जैसे मैंने सूरीनाम नाम लिया तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वेल नोन नाम है? यदि आपको ऐसा लगता है तो मान के चलिए आपकी तैयारी की दिशा सही है, सही तरीके से आप चल रहे हो। ये इसे ही हम कहते हैं इम्प्लीमेंट करना। अब आप क्या करोगे, जैसे आपसे इस पे तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि आपसे कह देगा कि अभी हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को विरोधियों की हत्या करने के लिए सज़ा सुनाई गई, तो सूरीनाम आ जाएगा। अब ये सूरीनाम जो है, जो मैंने आपको वहाँ ये किस महाद्वीप का है वहाँ पर जाकर आप ऐड करोगे। क्लियर? तो मैं बता देता हूँ, ये दक्षिणी अमरीका का है और दक्षिणी अमरीका महाद्वीप से संबंधित है, जहाँ याद कीजिए फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, वेनेजुएला वो किए थे अपनों ने, तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर लें। क्लियर? एक दूसरा फैक्ट और है, जैसे आपने नाम सुना होगा शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री है ये, और ये है जापान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये जापान में ये। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों, आज हमने सरस्वती सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन का पुरस्कार है, उसके तहत कुछ तथ्यों को जाना हमने, और व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, इनको जानते हुए हमने भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ साथ कुछ फैक्ट भी जाने हमने। जैसे शिंजो अबे के बारे में जो अपडेट है वो करा दिया आपको, एक सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनको सजा हुई है वो। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमारी नज़रों से आउट हो जाते हैं, ये स्किप हो जाते हैं, पता नहीं लगता हमें ये, तो इन पर थोड़ी गंभीरता से लें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप मेरे इस सरस्वती सम्मान नामक टॉपिक को, सीरीज को भारत के प्रत्येक स्टूडेंट तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं। नमस्कार।